हेलो गाइज एंड वेलकम टू द इंस्टेंट रिव्यू। PS1 का ट्रेलर देखा मैंने, मणिरत्नम सर ने इसको डायरेक्ट करा है और विक्रम हो गया, ऐश्वर्या राय बच्चन हो गए, ये इसके लीड रोल में, और भी यार लोग हैं जो इसके लीड रोल में हैं, पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इसका ट्रेलर बहुत ही डिसेंट था, डिसेंट से एवरेज लगा लो यार, क्योंकि ना इसमें कुछ गूज़बम्प्स मूवमेंट नहीं थे। मैं बताता हूँ गूज़बम्प्स मूवमेंट्स वाले कौन कौन से ट्रेलर मुझे अभी रिसेंट टाइम पे लगे, जैसे कि RRR का ट्रेलर बहुत ही गूज़बम्प्स मूवमेंट से भरा हुआ था, मतलब हमें एक्साइट कर देता है मूवी देखने के लिए। पर ये ट्रेलर यार मुझे कुछ एक्साइटमेंट नहीं मुझे हो रही है कि ये मूवी मैंने देखने ही जानी है। ऊपर से जब मैंने इसकी रिलीज डेट देखी ना, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। 29th को विक्रम मेहता रिलीज हो रही है और 30th को ये रिलीज़ हो रही है। लास्ट टाइम मुझे याद है जब वॉर मूवी रिलीज हुई थी, उसके साथ आई थिंक जो सियारा नरसिम्हा रेड्डी रिलीज हुई थी, उस टाइम पर वॉर मूवी ने हिंदी बेल्ट में सबसे ग्रैंड ओपनिंग ली थी और वॉर मूवी चल गई थी। सियारा नरसिम्हा रेड्डी इतनी अच्छी मूवी थी पर हिंदी बेल्ट में नहीं चल पाई थी, साउथ में उसने कमा ली थी और साउथ में वॉर मूवी ने कम कमाए थे। तो उस टाइम पे जो ऑडियंस बढ़ जाती है ना, तो मूवी को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सियारा नरसिम्हा रेड्डी 300 करोड़ में मूवी बनी थी और सिर्फ 325 करोड़ कमाए थे। देखो आप कहोगे ये सिर्फ है क्या 325, पर ये भी देखो ना बजट कितना ज़्यादा है। हाँ अगर हिंदी बेल्ट में और कमा लेती तो हो सकता है 500 करोड़ तक भी पहुँच जाती, पर उस टाइम पर जब वॉर रिलीज हुई तो लोगों को वॉर का ज़्यादा क्रेज था। और ये एक दिन पहले रिलीज हो रही है विक्रम वेदा, इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज आ गए, तो लोग PS1 को हिंदी में नहीं देखेंगे, हो सकता है हिंदी में फ्लॉप हो जाए। अब देखते हैं यार, हो सकता है यार, मुझे पता क्या लग रहा है कि जो ट्रेलर 1 नहीं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए ट्रेलर था, इंट्रोड्यूस कराया सारे करेक्टर्स को। इसका जो ट्रेलर 2 होगा, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा निकले, उसमें लोगों को पॉजिटिव रिव्यूज आए, पर यार जो इसका जो रिलीज डेट है ना, वो मुझे खटक रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो पहले वाला काम होने वाला है, विक्रम वेदा यहाँ चलेगी और ये जो PS1 है ये साउथ में चलेगी। 500 करोड़ का बजट है, तो उसको कवर करने के लिए इसको हर बेल्ट में चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं कवर होगी। यार मेरे हिसाब से तो डिसेंट ट्रेलर था, मैं तो यार ट्रेलर को 3 out of 5 star दूंगा। इसमें आपका क्या टेक है, आपको कैसा लगा ट्रेलर, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और प्लीज़ यार लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।